तो दोस्तों मैंने यहाँ पे समोसे बनाए हैं और ये आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं। और मैं आपको एक तोड़कर भी दिखा देता हूँ, इसकी आवाज़ भी आप देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कितनी क्रंची है। और आपको मैं तोड़कर दिखा देता हूँ, इसका मसाला देखिए आप, बिल्कुल ही क्रंची है। इसका जो कवर है वो बिल्कुल क्रंची है। तो चलो इसको बनाते हैं। दोस्तों मैं हूँ मयूर और स्वागत है आपका द मयूर्स किचन में। आज हम बनाएंगे इंडिया का एक स्ट्रीट फूड जो कि है समोसा। तो चलो समोसे एकदम आसान तरीके से बनाते हैं। समोसा बनाने के लिए हम सबसे पहले समोसे का आटा लगाएंगे। तो आटा लगाने के लिए मैंने यहाँ पे इस बाउल में मैदा लिया है, तो इसमें मैंने 2.5 कप मैदा लिया है। और तो चलो समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। इस मैदे में सबसे पहले मैं स्वादानुसार नमक मिलाऊंगा, तो मैं स्वादानुसार नमक इसमें डाल लेता हूँ। इसके बाद इसमें मैं डालता हूँ 1 टीस्पून अजवाइन, और इसके बाद इसको मैं थोड़ा सा मिक्स कर लेता हूँ। इतने आटे से हमारे 8 समोसे बनकर रेडी हो जाते हैं। तो मैं इसमें अब डालूँगा 5 टेबल स्पून ऑइल, तो दोस्तों मैंने यहाँ पे 5 टेबल स्पून ऑयल इसमें डाल दिया है। तो मैं इसे मिक्स करूँगा। तो दोस्तों इस आटे में आप घी मत डालिएगा, घी से हमारे समोसे खस्ता बनते हैं और तेल से हमारे समोसे क्रंची बनते हैं। तो तेल से ही बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसमें। तो इस तेल को मैदे में अच्छी तरीके से हमें सबसे पहले तो मिला लेना है, इसको एकदम क्रमली बना लेना है हमें। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इस मैदे में अच्छी तरीके से तेल मिक्स कर लिया है, आप देख सकते हो। मैं इसे हाथ से ऐसे बाइंड कर रहा हूँ तो ये अच्छी तरीके से बाइंड भी हो रहा है। तो ऐसा ही आपका मैदा होना चाहिए। इस आटे को हमें एकदम सख्त लगाना है ताकि हमारे समोसे क्रंची बने। तो मैं इस आटे में थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसका एकदम सख्त आटा रेडी करूँगा। तो सबसे पहले तो एकदम थोड़ा पानी डालूँगा इसमें और इसको इस आटे में मिक्स करूंगा। इसमें एक साथ ज़्यादा पानी मत डालिए, थोड़ा थोड़ा पानी करके डालिए। तो दोस्तों मैंने इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया इस पानी में, तो थोड़ा और पानी डालेंगे और इसे फिर मिक्स करेंगे। आप देख सकते हो मैंने इसका एकदम सख्त आटा रेडी कर लिया है। आप देख सकते हो ये कितना सख्त है, ये ठीक से जुड़ भी नहीं पा रहा है। तो ऐसा ही आप आटा आपका होना चाहिए एकदम सख्त। तो मैंने इस आटे को रेडी कर लिया है। तो मैं क्या करूँगा, इसके ऊपर एक थोड़ा सा गीला कपड़ा ढक लूँगा। तो इसके ऊपर है गीला कपड़ा मैं ढक लूँगा और इसको मैं साइड में रख दूंगा। तो चलो आलू की फिलिंग बनाते हैं, यानी कि समोसे का मसाला बनाते हैं। आलू के मसाले के लिए मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दी है और कढ़ाई भी हमारी गर्म हो चुकी है। तो मैं इसमें डालूंगा 2 टेबलस्पून ऑयल, तो 2 टेबलस्पून इसमें मैं ऑयल डाल लेता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसमें ऑयल डाल दिया है और सबसे पहले तो मैं इसमें डालूंगा 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे धनिया लिए, साबुत धनिया को मैंने थोड़ा सा कूट लिया है। तो सबसे पहले तो ये डालूंगा। इसके बाद मैं इसमें डालूंगा थोड़ी कूटी हुई सौंफ डालूंगा मैं इसमें 1 टेबलस्पून। गैस एकदम लो है
और इसके बाद मैं इसमें डालूंगा एक टीस्पून जीरा। तो एक टीस्पून जीरा भी मैंने थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है इसको, ताकि फ्लेवर बहुत स्ट्रांग आए। और इसको मैं अच्छी तरीके से मिक्स कर लूँगा। इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगा 2 टेबलस्पून अदरक लहसुन की पेस्ट। तो मैंने इसमें अदरक लहसुन की पेस्ट भी डाल दी है। और इसके बाद इसको मैं मिक्स कर लूँगा। गैस एकदम लो है दोस्तों। तो अदरक लहसुन का थोड़ा सा कच्चापन मैं दूर करूँगा, इसको अच्छे तरीके से भून लूँगा मैं। तो दोस्तों इसके बाद मैं इसमें डालूँगा स्वादानुसार नमक, और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगा। तो दोस्तों मैं इसके बाद इसमें डालूँगा हरे मटर। आप देख सकते हैं मैंने इस हरे मटर को उबाल लिया है, और ये बिल्कुल अच्छी तरीके से पकी भी है। आप देख सकते हैं बिल्कुल सॉफ्ट हो गए है, तो इसे भी मैंने डालूँगा। तो मैंने इसे डाल दिया है, और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगा। मटरों को पकाने की ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको पका लिया है। इसी में मैं मिक्स कर लूँगा, और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर। तो ये 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर इसमें मैं डाल लेता हूँ, और इसी भी मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा रेड चिली पाउडर, तो इसको भी मैंने इसमें डाल दिया है, और इसको मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगा। और इसके बाद 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, तो हल्दी पाउडर भी मैंने इसमें डाल दी है, और इसे भी मैं मिक्स कर लूँगा। तो दोस्तों मैंने इसमें सभी मसाले हमारे डाल दिए है, और इसको अच्छे तरीके से मैंने भून भी लिया है। तो इसके बाद मैं इसमें डालूँगा थोड़े से मूँगफली के दाने। आप देख सकते हैं, आप आपकी चॉइस से आप डालना चाहे तो डाल सकते हैं, वरना इसे स्किप भी कर सकते हैं। और इसे में मैं अच्छे तरीके से भून लूँगा। और इसके बाद मैं इसमें डालूँगा 6 उबले हुए आलू डालूँगा मैं इसमें। तो 6 मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के आलू लिए हैं, और इसे मैंने उबाल कर रखा है, तो ये मैं इसमें डालूँगा तोड़कर, हाथ से ही तोड़कर मैं इसमें डालूँगा। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे सब आलू मैंने इसमें डाल दिए हैं, तो चलो इसको मैं मिक्स कर लेता हूँ। आप अपने स्पैचुला से इसे थोड़ा सा ऐसे मैश कर दीजिए, ताकि जो आलू के बड़े टुकड़े हैं वो बारीक हो जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हो मैंने इसको अच्छी तरीके से मैश कर दिया है, और हमारे आलू की फिलिंग में कोई भी बड़े टुकड़े नहीं है। तो चलो हमारी आलू की फिलिंग एकदम रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो कितनी सुंदर दिख रही है। तो चलो समोसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों हम हमारा आटा चेक कर लेते हैं। आप देख सकते हो तो हमारा आटा बिल्कुल अच्छे तरीके से सेट हो चुका है। आप देख सकते हो ये बिल्कुल सख्त है। तो मैं इसकी 4 लोइयां बनाऊँगा अब। तो सबसे पहले तो इसको 2 भागों में डिवाइड कर लूँगा मैं। आप देख सकते हो मैंने इसे 4 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो चलो 1 लोई ऐसे उठाते हैं, और इसे बेलते हैं, ये साइड में रख देते हैं। अब मैं इसे बेलूँगा, तो थोड़ा सा हमें मैदा भी लगेगा बेलने के लिए, तो मैंने यहाँ पे मैदा भी ले लिया है। और समोसे को चिपकाने के लिए थोड़ा सा पानी भी लगेगा, तो मैंने पानी भी ले लिया है। तो चलो इसे हम बेल लेते हैं। तो इसे हमें कुछ लंबा वगैरह कुछ बेलने की ज़रूरत नहीं, हम जैसे रेगुलर रोटी बेलते हैं वैसा ही हमें इसे बेलना है। तो मैं इसे एकदम रोटी जैसा बेल लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसकी एक बड़ी साइज़ की रोटी बेल ली है। तो अब क्या करूँगा मैं इस रोटी को 2 पार्ट में डिवाइड करूँगा। तो इसके मैं 2 पार्ट कर लेता हूँ। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। तो थोड़ी देर के लिए 1 पार्ट में साइड में रख दूँगा। तो दोस्तों मैं इस पार्ट का आपको एक समोसा बना के दिखा देता हूँ।
तो सबसे पहले ऐसा आपका आधा पार्ट है रोटी का, तो सबसे पहले तो क्या करना है, इसको इस तरफ से मोड़ना है हमें। आप देख सकते हो इसको ऐसे रखना है, मैं इसको किस तरह से कर रहा हूँ आप देख सकते हो, यहाँ पे अब आप देख सकते हैं मैंने इसको इस तरफ से मोड़ लिया है, और ये जो पार्ट है इसके ऊपर हमें बस रख देना है। मेरा कोन यहाँ पे रेडी हो चुका है, पर इसके हम चिपका लेंगे। तो यहाँ पर हमें पानी लगाना है, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा लगाना है। तो मैंने यहाँ पे इसको पानी भी लगा लिया है, और इसके ऊपर हम ये वाला पार्ट रख देंगे और इसे हम अच्छे तरीके से चिपका लेंगे। ये अच्छी तरीके से चिपक चुका है। इसका एक कोन तैयार हो गया है। तो इसे क्या करना है, इसमें हम हमारी फिलिंग भरेंगे अब आलू की। तो अपने हिसाब से कम ज़्यादा आप फिलिंग को कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसमें एक फिलिंग भर देता हूँ। तो इसमें मैंने फिलिंग भी भर दिया। इसको अच्छे तरीके से ऐसे प्रेस करना ताकि ये खुले ना। मैंने यहाँ पे इसमें फिलिंग भी भर दी है, और समोसे का जो आगे वाला पार्ट है उसकी पीछे की तरफ हमें इस तरफ से पानी लगाना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पे इसको मैं पानी लगा लिया है, और इसको मैं ऐसे मोड़ कर यहाँ पे चिपका लूँगा। और जो हमारे कोन का आगे वाला पार्ट है इसे भी मैं पानी लगा लूँगा ताकि अच्छे तरीके से चिपक जाए, और इसे ऐसे चिपका लूँगा आगे की तरफ। तो दोस्तों आप देख सकते हो मेरा समोसा यहाँ पे बन चुका है, तो देख सकते हो आप। और इसे एक बोर्ड पर रख के इस तरह से करना है ताकि अच्छे तरीके से खड़ा हो पाए। तो मेरा समोसा बिल्कुल रेडी हो चुका है, और इस समोसे की साइज़ है जो रेगुलर मार्केट में मिलता है उसी साइज़ का मैंने बनाया है। अच्छे तरीके से मैंने यहाँ पे समोसा रेडी कर लिया है, तो इसको मैं साइड में रख दूँगा, और इसी तरह से मैं सब समोसे यहाँ पे रेडी कर लूँगा। मैंने यहाँ पे सब समोसे हमारे रेडी कर लिए हैं, और आप देख सकते हैं कितने सुंदर दिख रहे हैं। तो चलो इनको फ्राई करते हैं। तो दोस्तों समोसे तलने के लिए गैस पर मैंने एक कढ़ाई रख दी है, और कढ़ाई में मैंने तेल भी रखा है। तो तेल एकदम हल्का सा गर्म होना चाहिए समोसे तलने के लिए। तो मैं चेक कर लेता हूँ, गैस एकदम लो है। थोड़ा सा आटा इसमें डालता हूँ, तो आप देख सकते हैं मैंने आटा तुरंत इसमें बबल आना शुरू हो चुके। तो तेल हमारा परफेक्टली गर्म है, तो गैस एकदम लो करेंगे और समोसे हम डालते जाएंगे। तो तेल बिल्कुल हल्का गर्म होना चाहिए, तो आपके कढ़ाई में जितने आ जाए आप उतने डाल देना। इन्हें हमें एकदम लो गैस पर धीमे धीमे तलना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे मेरे कढ़ाई में 5 समोसे आ गए, तो मैंने इसमें डाल दिए। तो मैं इसे लो गैस पर इसी तरह से फ्राई कर लूँगा। तो शुरू शुरू में इसे हम हाथ भी नहीं लगाएंगे, थोड़ा सा इसे हम गोल्डन होने देंगे। इसे हमें एकदम लो गैस पर ही फ्राई करना है, नहीं तो ये क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो मैं इसे फ्राई कर लेता हूँ, आपको मैं दिखाता हूँ भी।
आप देख सकते हैं मेरे समोसे बिल्कुल गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो चलो इनको निकाल लेते हैं। मुझे इसे तलने में कम से कम 15 मिनट का समय लगा है, आप भी उतना ही लगाइए। हमारे समोसे कितने क्रंची दिख रहे हैं और इन पे ज़्यादा बबल भी नहीं आ गए, तो इनका एक्स्ट्रा ऑयल निकाल लेते हैं और इन्हें मैं प्लेट में निकाल लेता हूँ। तो मैंने यहाँ पे सब समोसे निकाल लिए, तो इसी तरह से मैं दूसरे भी बैच रेडी कर लूँगा। तो मैंने यहाँ पे इमली की चटनी और ये टोमेटो केचप के साथ इसे सर्व किया है, तो कितने सुंदर दिख रहे हैं। ऐसे ही समोसे आप घर पे ज़रूर बनाइए। तो दोस्तों कैसी लगी मेरी रेसिपी, थी ना एकदम आसान? तो ऐसी आसान रेसिपीज देखने के लिए सब्सक्राइब करिए द मयूर्स किचन को। थैंक यू।